ये देखिए एक बाल्टी पूरा दी है तो दूध अब कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है इसको बच्चा दिए हुए। हाँ मजा आ गया, एकदम साफ पानी है, दिखा दीजिए पवन जी, देखिए एकदम फ्रेश पानी है और पानी पी रहा है और हम भी धो करके हाथ मुंह पी लिए हैं। देखिए जल्दी से पी लो, चलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करी सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 7:30 हो चुका है और हम लोग तालाब घर से आ गए हैं अतवरिया के पास और काउ मिल्किंग करने जा रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों। और दोस्तों देखिए हमारी गाय पहना गई है और दूध निकालना चालू करते हैं। थोड़ा सा पास में लाइए, और पोंछ बहुत ज़्यादा चला रही है, पोंछ में फंस गया था मोबाइल। तो दोस्तों फाइनल काउ मिल्किंग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए दोस्तों हमारा काउ मिल्किंग होने वाला ही है, अब इतना दूध निकाल चुके हैं। थोड़ा सा पास में लाओ बाबू, और देखना पोंछ बहुत चला रही है दोस्तों, गाय बहुत पोंछ चला रही है इस समय, इतना मच्छी लोग लग रहे हैं माछी कि। और देखिए दोस्तों हमारा काउ मिल्किंग होने वाला ही है, अब इतना दूध निकाल चुके हैं। थोड़ा सा पास में लाओ बाबू, और देखना पोंछ बहुत चला रही है दोस्तों, गाय बहुत पोंछ चला रही है इस समय, इतना मच्छी लोग लग रहे हैं माछी कि ज़रूरत से ज़्यादा, और छटर पटर कर रही है, माछी बहुत काट रही है मुँह। दूध गिरने का डर है दोस्तों, पैर चला रही है, ये जो मक्खी लोग है ये काट रही है, तो इसके लिए एक आता है दोस्तों छोटा सा इतना बड़ा लिक्विड सीसी में बोतल में, और उसको ला के पानी में घोर के लगा देंगे तो एक भी माछी नहीं बैठेगा, लेकिन वो थोड़ा पॉइजन टाइप का होता है, इसीलिए माछी भगाने वाला एक दवा आता है मार्केट में मिलता है, तो उसी को लाएंगे, बाजार जा रहे हैं तो। और दोस्तों अब हमारी गाय दूध कम करती जा रही है क्योंकि अब इसको 11-12 महीना हो गया, इसी समय ये बच्चा दी हुई थी, 1 साल लगभग हो गया अब इसको, तो अब दूध कम करती जा रही है। देखिए एक बाल्टी बस दूध दी है, नहीं तो पहले एक बाल्टी से ज़्यादा देती थी दोस्तों, अब पूरा एक बाल्टी दी है, और पहले इस बाल्टी को भरने के बाद डब्बा में दूध निकालना पड़ता था। ये देखिए एक बाल्टी पूरा दी है तो दूध अब कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है इसको बच्चा दिए हुए, और 5 महीने का गाभिन भी हो गई है, अभी दोनों टाइम में दूध देती है दोस्तों। देखिए माछी की वजह से भाग रही है। चलते हैं दोस्तों दूध लेकर के मार्केट। और दोस्तों देखिए हम दूध दे करके आ गए हैं और दोपहर का समय हो गया है और हम लोग चल दिए हैं, ये देखिए क्या लिए हैं, जाल लिए हुए हैं, तो चलते हैं दोस्तों। ये वो गेहूं का खेत हम लोग ठीका लिए हुए हैं, उसको बटोरने के लिए मशीन से काट करके गिरा दिया गया है, तो उसको बटोरेंगे, कई लोग हैं हम लोग, उधर 2 आदमी जा रहा है बच्चा लोग, और पीछे भी 1-2 आदमी हैं, तो सभी लोग मिल करके ठीका लिए हैं 2000 में, और बहुत बड़ा प्लॉट है, तो चलते हैं दोस्तों उसको बिटोर करके इकट्ठा कर देंगे और तब थ्रेसर से दमाएगा, उसके बाद से 2000 हम लोगों को मिल जाएगा, तो सभी लोग मिल करके बांट लेंगे, कम से कम 5-6 आदमी हैं, पवन जी भी है, छत्ता ले लिए हैं और इनको थोड़ा धूप लग रहा है, तो चलते हैं दोस्तों नदी के उस पार जाना है, अभी दिखाते हैं नदी पर पहुँचते हैं तब आप लोगों को। अब फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग आ गए इधर नदी के पास, देखिए और ये लोग आगे आगे जा रहे हैं सभी लोग, और 1-2 लड़की लोग पीछे छूटा हुआ है, और अर्चना की मम्मी को नहीं लाए, बहुत तेज़ धूप है और वो भूखी हुई थी व्रत कल, तो इसीलिए आज नहीं लेके आए, बोले कि आप रहिए घर पे, और अर्चना भी घर पे है,
तो चले आए हैं दोस्तों आज मजदूरी करने इधर, और देखिए कौन सा भेस बना लिए हैं, जाल कैसे लगाए हैं, लग रहा कि फेरी वाले हैं, बेचने जा रहे हैं कोई सामान। चलिए सभी लोग हेल जाइए पानी। तो चलते हैं दोस्तों नदी के उस पार, यहाँ से पानी थोड़ा कम है, ये नदी एकदम सूख गया है। देखिए सब लोग हेल गया, अब हम भी हेलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा धोती हम सरिया लें, भीजेगा नहीं। हाँ लग रहा है हमारा जाल भीज जाएगा, ये देखिए बच गया बच गया। ए रुको हम पछुआ गए हैं, ये लोग छोड़ के हमको भाग गया। और दोस्तों देखिए हम लोग नदी को पार कर लिए हैं और आ गए देखिए इधर, और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा खेत है, इसी को ठीका लिए हुए हैं हम लोग। ये देखिए मशीन काट के इधर गिरा दिया है पूरा, यहाँ से लेकर एकदम वहाँ तक बहुत लंबा है दोस्तों, इतना लंबा है कि पूछिए मत, बाप रे अब क्या बताएं। तो दोस्तों चलते हैं अभी इसको बिछाएंगे और सभी लोग मिल करके इसको खाएंगे, सभी लोग मिल करके दोस्तों इसको बिटोरेंगे। और देख लीजिए कितना बड़ा है, 2000 में ठीका लिए हैं हम लोग, वहाँ तक है एकदम, वो जो हरा हरा घास दिख रहा है सामने वहाँ तक, और इधर देखिए ये लोग सभी लोग आ गए। तो अभी यहाँ दोस्तों इसको बिटोर लेंगे, तब आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और शाम में मशीन आएगा तो दाँ के फिट हम लोग का काम ख़त्म। तो रखते हैं दोस्तों यहाँ पे जाल को और चलते हैं काम शुरू करने। ऐ सभी लोग लग जाओ फटाफट, लग जाते हैं दोस्तों अब काम पर फटाफट जल्दी से। अब बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक, और धूप एकदम तेज हुआ है देखिए। चलिए लग जाइए सभी लोग। और देखिए दोस्तों हम लोग इधर जाल को बिछा दिए हैं, जो मोसा जाल है मछली मारने वाला, इसको बिछा दिए हैं। और देखिए इधर पूरा लेबर लोग लग गया है, सभी लोग हम लोग मिल करके और इसको बिटोर रहे हैं। देखिए इतना बच्चा लोग, और पवन जी उधर चले गए हैं, और सभी लोग इधर मिल करके इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर देंगे उसके बाद मशीन आएगा शाम को तो दबाएगा। तो चलते हैं दोस्तों फाइनल इसको बिटोर लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को दिखाएंगे। और धूप बहुत जोर शोर से हुआ है एकदम तेज है। कैसा लग रहा है जी तुमको, हंस रहा है, मुस्की मारता है। दोस्तों देखिए हम लोग गेहूँ बिटोरते बिटोरते प्यास गए हैं, तो सभी बच्चा लोग आ गया है पानी पीने के लिए एकदम। नदी में देखिए कितना साफ पानी है, पहले मुंह धो लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हाँ मजा आ गया, एकदम साफ पानी है, दिखा दीजिए पवन जी, देखिए एकदम फ्रेश पानी है। तो दोस्तों ये सब बच्चा लोग पी रहा है, तो अब चलते हैं फिर से काम करने, और रोटी वोटी लाए हैं हम लोग तो खा लेते हैं। और दोस्तों देखिए हम लोग नदी से पानी वानी पी के आ गए हैं, डब्बा में भी भर के लाए हैं पीने के लिए। और ये देखिए चटनी भात और ये दाल एकदम खेते में खा रहे हैं, सभी लोग खा लीजिए, पानियों खा लेते हैं क्या। और दोस्तों देखिए हम लोग आधा काम कर दिए हैं, उधर दिखाई पवन जी, देखिए उतना बटोर दिए हैं दोस्तों, और आधा उधर का बचा हुआ है, तो अभी खा लेते हैं उसके बाद बटोरेंगे, तब तक थ्रेसर भी आ जाएगा। दोस्तों देखिए हम खा लिए हैं, आप पवन जी को देखिए, पवन जी खा रहे हैं ललुआ, देखिए ये भी खा रहा है, ये लम्बू है लम्बू, और उधर वो लोग खा रहे हैं देखिए झुरखी में बैठ करके। तो दोस्तों अब हम लोग खा लिए हैं और ये लोग खा रहे हैं, तो अभी देखिए इतना अभी बिटोर दिए हैं और उधर का पूरा बाकी है। चलते हैं पास से दिखाते हैं आप लोगों को, और देखिए दोस्तों इतना गला कर दिए हैं, और ये देखिए इधर का ये पूरा अभी बाकी है, ये देखिए वो टोटल अभी बाकी है, और इधर का हम लोग ये वाला और गले के ये गला किए हैं, उसके उस पार का सब बटोर दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बिटोरेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ये लोग खा रहे हैं, खा लें उसके बाद से, हम तो खा लिए पहले ही। गया जल्दी नदी में पानी पियो, और बर्तन धो के आ जाओ, और फटाक दे लग जाओ कि जल्दी हो जाए। हाँ हाँ देखिए लम्बुआ जा रहा है पानी पीने, जाओ जल्दी पी के आओ। और दोस्तों देखिए इधर पवन जी भी खा के आ गए हैं, और थरिया वरिया धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और ये देखिए अभी लम्बुआ आ गया है,
और पानी पी रहा है और हम भी धो करके हाथ मुंह पी लिए हैं। देखिए जल्दी से पी लो, चलो काम करने जाएं। दोस्तों देखिए अभी पी रहा है, पवन जी भी उधर नहा नहीं रहे हैं, खा के थरिया धो रहे हैं, अभी पानी पियेंगे। पी करके जल्दी आ जाइए, चलते हैं दोस्तों हम खेत में, क्योंकि अब हम लोग भी खा पी के फिट हो गए और इधर नदी का ही पानी मिल जाता है। अब कौन जाएगा, घर जाएंगे और आएंगे तब तक घंटों टाइम ख़त्म हो जाता है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। और दोस्तों देखिए हम लोग खाना पानी खा पी लिए, नदी का पानी और तसली में के भात खा लिए। और देखिए एगो लम्बुआ वहाँ पर लग गया है और ये बच्चा लोग सब लोग उधर लग गया है, सब एक इधर आ रही है, पवन जी इधर खड़े हैं और हम इधर खड़े हैं। तो दोस्तों उधर से मतलब एक तिहाई बटोर दिया है, जैसे एक रुपये हम 75 पैसा बटोर दिया, 25 पैसा और इधर बच गया है, तो इसको भी हम लोग बिटोर देते हैं। और थ्रेसर वाले के पास मालिक जिसका खेत है वो फ़ोन किया था, बोला है कि अभी थ्रेसर आने वाला ही है, जल्दी जल्दी काम फाइनल करो। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनल कर लेते हैं, थ्रेसर आएगा तो दांत दो के ख़त्म कर देंगे हम लोग का डिप्टी ख़त्म। तो चलिए पवन जी, और इसमें हम बोझा बांध के ले आएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में, और देखिए हम लोग कितना धूप में पूरा दिन इधरे रह गए, एकदम घाम बहुत तेज का हुआ है और लगभग इस समय 2 बज गया है। दोस्तों देखिए हम लोग सुबह से लेकर के लगभग 10 बजे से लेकर के अभी 7 बज रहा है, इतने वक्त तक हम लोग 2000 में मेहनत करते रह गए और 2000 हम लोगों को बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों आज। और देखिए लगभग 7 बज गया रात और खेत वाले मालिक भी अभी आ गए हैं और इधर थ्रेसर खड़ा है। हम लोग दौरी करके फाइनल कर चुके हैं, अब हम लोगों का काम ख़त्म हो गया है। बस इस अनाज को इधर दिखाओ बाबू, इस अनाज को फिर हम लोग थोड़ा सा टाली पर लाद देंगे और चले जाएंगे घर सभी लोग। और जो बच्चे लोग थे वो पहले ही चले गए हैं, कौन जी है, हम हैं और ये किसान भाई हैं जिनका खेत है और एक दो लम्बुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं काम करते करते। तो सभी लोग बाय बोलिए एक साथ, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों।